चलिए आइए हम शुरू कर रहे हैं आपका आज पहला क्लास फॉर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये क्लास हम लोग सीएमए इंटर वालों के लिए एक्सक्लूसिवली चला रहे हैं। इन जनरल आपको जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की क्लास कराई जाती है कहीं और, तो वो मिलीजुली सरकार में कराई जाती है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम लोग मिलीजुली सरकार वाली बैच में ही पढ़ते हैं, बट ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमने आपके लिए सीएमए एक्सक्लूसिव बना के दिया है। तो जो सीएमए का सिलेबस डिफाइन करता है, हम उसमें सिर्फ वही पढ़ रहे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं। आपको बेसिक जानकारी दे दें कि आपका जो पेपर है उसका क्या नाम है, ओएमएसएम का ब्रेकअप क्या है, ओएम कितना मार्क्स का है, 70% और एसएम 30% है, यानी कि 30 मार्क का। जब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो आपको आपको अलग से पेपर में दो सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए ओएम को लेके होगा और सेक्शन बी एसएम को लेके होगा, ठीक है। तो एसएम ऑब्वियसली प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी, इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है। अब थ्योरी बोलने से कई बार अपने सोचते हैं, अरे बाप रे कैसे होगा थ्योरी में, मेरा तो बहुत मुश्किल रहता है। ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि है बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर आप एसएम अच्छे से सीखेंगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा फाइनल का कॉस्टिंग सीखने में। जब फाइनल में आते हैं ना, तो फाइनल का कॉस्ट सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी है प्लस बीच में कॉस्टिंग भी है। फाइनल का सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो बिना इसके सीखे फाइनल का कॉस्टिंग में बड़ा दिक्कत होता है। तो जैसे ये न्यू सिलेबस में आया है 2016 का सिलेबस में, जब 2012 सिलेबस था तब एसएम नहीं था, ठीक है, तब ओएमआईएस था। तो वो बच्चे जब अभी फाइनल की क्लास कर रहे हैं, 12 सिलेबस में इंटर पास करके जो फाइनल की क्लास करते हैं, उनको कॉस्ट समझने में थोड़ा सा अभी टेंशन हो जाता कभी कभी, अरे एसएम का सर बात करने लगे तो पता ही नहीं। अब जो बच्चे एसएम का क्लास अच्छे से करके आते हैं, उनको कॉस्ट का बात बहुत अच्छे से समझ में आता है फाइनल लेवल में। तो आप ऐसा सोचिए, इससे एक तो इस एग्जाम में 30 मार्क का आ जाएगा और दूसरा फायदा क्या होगा, फाइनल का भी बुनियाद स्ट्रांग हो जाएगा। भाई इस बार जैसे एग्जाम हुआ उसमें आपको मालूम ओएमएसएम में 81-85 ऐसा ऐसा मार्क्स आया, ठीक है। तो इतना मार्क्स आने का कारण क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी द रीजन, कि खाली ओएम के भरोसे जाएंगे कि दोनों पढ़ के जाएंगे, दोनों ही पढ़ के जाएंगे तभी हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह कि एसएम जो है वो आपके लिए एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपका पढ़ा हुआ होगा, बस आपको याद रखना है और याद रखने के पहले समझना जरूरी है। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन प्रॉब्लम विल कम इन टू द पिक्चर, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू स्टार्ट राइटिंग यू विल नॉट क्रिएट एनी सेंस इन योर आंसर। तो मेरा काम है आपको समझाना और जितना हो सके वो थोड़ा बहुत हम लोग रिविजन कर करके याद भी कर लेंगे क्लास में। आपको एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वो है लिख के देखना। मतलब जब तक लिख के नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, ठीक है। तो जब मैं आपको कोई टास्क दूं कि ये लिख के लाना, ये लिख के लाना, तो जरूर लिख के लाना, नहीं तो आंसर लिखना नहीं आने से बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, समझ में आना एक पार्ट है, याद रखना दूसरा पार्ट है, और लिख के आना तीसरा पार्ट है। तीनों स्ट्रांग होना चाहिए, करेक्ट। तो एसएम सीखने के लिए तीन पॉइंट हो गया। एक तो अंडरस्टैंडिंग करना है आपको, राइट, दूसरा आपको याद रखना है रिटेंशन, और तीसरा आपको देखना है राइटिंग। लिख पाएंगे तभी नंबर मिलेगा। ओके, सो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एसएम की पढ़ाई करते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ओके, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपके सिलेबस में तीन चैप्टर डाला गया, योर सिलेबस इज कंप्राइज्ड ऑफ थ्री चैप्टर्स, सिर्फ तीन चैप्टर। चैप्टर वन का नाम है, ये मैं इंस्टीट्यूट मैट खोल रखा हूं आपका, इसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। चैप्टर टू का नाम है
स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग. स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. और चैप्टर थ्री का नाम है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी. फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी. देखो चैप्टर भी बड़ा सीक्वेंशियली बनाया गया है. पहले इंट्रोडक्शन, मतलब आप जान जाइए एसएम किस बारे में, फिर स्ट्रेटेजी का प्लानिंग करिए, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाइए बेसिकली हम बोलेंगे, और बना लिए तो उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचिए, खाली बनाने से तो नहीं होगा. ओके देखो थोड़ा बात करते हैं स्ट्रेटेजी माने क्या होता है. वर्ड स्ट्रेटेजी का मतलब हिंदी में तो बोलते हैं नीति. हाँ, नीति बोलते हैं, नीति. इन शॉर्ट बोल सकते हैं प्लान, और अच्छे से बोले तो बोल सकते हैं कि बिना कोई काम को किए उसके बारे में पहले से सोचना. मैंने एक काम अभी किया नहीं है लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा हूं कि मैं कैसे करूंगा, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजी. वैसे ये सब वर्ड्स ज्यादा सूट करता है गेम में, बैटल में, करेक्ट. गेम में स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं, बीट करने के लिए, अपने सामने वाले को, टीम को बीट करने के लिए, राइट. उसी तरह से स्ट्रेटेजी हम लोग बनाते हैं बैटल में, दुश्मनों को हराने के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमारा जो काम है वो हो जाए, दैट्स ऑल. बिना सोच के जाएंगे तो क्या होगा, हार जाएंगे, यही हो सकता है. तकदीर साथ दिया तो जीत भी जाएंगे, करेक्ट. जैसे क्रिकेट खेलते हो कभी दोस्तों में, तो क्रिकेट मैच खेलने के पहले सबको साथ में आते हो, हाँ, कि तुम बैटिंग करना, तुम बॉलिंग करना, पहले ये उतरेगा, पहले वो उतरेगा, फिर तुम यहां पे खड़ा होकर एम्पायरिंग करना, किसी को फील्डर बनाते हैं, बनाते हैं ना, पूरा गेम सजाते कि नहीं सजाते गेम स्टार्ट करने के पहले, और फिर जो सोच लेते हैं वह उसी से ही पूरा गेम लगातार चलते रहता है क्या, कि बीच बीच में जरूरत पड़ने पे देखते कोई फास्ट बॉलर आ गया तो बैट्समैन ने जिसको सोचे थे उसको चेंज कर दो, ऐसा होता है कभी? मतलब स्ट्रेटेजी जो सोच लेते हैं वही पत्थर की लकीर हो जाता है, ऐसा भी नहीं है, उसको जरूरत पड़ने पे चेंज भी करना पड़ता है, करेक्ट. स्ट्रेटेजी मतलब हम लोग अगर एग्जाम के लिए बोलना चाहे तो वी विल से इट इज मेकिंग अ प्लान टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. मेकिंग अ प्लान टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसको पाने के लिए आप क्या प्लान बना रहे हो उसी को हम स्ट्रेटेजी कहते हैं. ओके, सो व्हाट इज स्ट्रेटेजी, चलिए आइए कॉपी में लिखिए. नंबर ए मीनिंग, इट रेफर्स टू एक्शन प्लान्स. To meet an objective, action plans to meet an objective. Strategy requires three important knowledge. नंबर वन गोल, आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, व्हाट यू वांट, व्हिच इज वी आर कॉलिंग एज गोल.
आपको पता ही नहीं आपको क्या चाहिए तो स्ट्रेटजी कुछ नहीं बनेगा। स्ट्रेटजी में एक उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूं। जैसे आप अपना एग्जाम पास करने का स्ट्रेटजी बनाइए, वो आपका गोल होगा। अब उसके लिए जो जो एक्शन प्लान्स बनाएंगे हम उसे स्ट्रेटजी बोलेंगे कि हम क्वेश्चन पेपर को डिफीट करने जा रहे हैं। वो अपना तैयारी करके आएगा, आप अपना तैयारी से जाओ, करेक्ट। सेकंड, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या अनसर्टेनिटी आ सकता है, जिसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स। क्या आ सकता है? अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स। समझ में आ रहा है? स्ट्रेटजी रिक्वायर्स थ्री इंपॉर्टेंट नॉलेज। वन इज गोल, अनदर इज अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स। जो आपके रास्ते में आ सकते हैं उसको अभी अनुमान करना होगा कि हम जब कोई चाल चलेंगे तो सामने वाला भी तो कोई चाल चलेगा, वो क्या हो सकता है, दैट इज अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स। नंबर थ्री लिखिए, लाइकली बिहेवियर ऑफ अदर्स। लाइकली बिहेवियर ऑफ अदर्स, समझ में आ रहा आपको? ये तीन चीज को ध्यान में रख के जब आप अपना एक्शन प्लान बनाएंगे तो उसको हम स्ट्रेटजी बोलेंगे। जैसे कभी ऐसा हो, हम लोग सोचते हैं अपने लिए स्ट्रेटजी, ऐसे इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आप जल्दी जल्दी रिलेट कर पाओ। हम लोग अपना स्ट्रेटजी सोचते हैं कि सोचो सीएमए इंटर एसएम का बैच में स्टूडेंट्स बढ़ाना है, तो ये एक स्ट्रेटजी है, ये गोल है, स्टूडेंट्स बढ़ाना इज अ गोल। नाउ अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स क्या हो सकता है? हो सकता है कि इंस्टीट्यूट एसएम का सब्जेक्ट ही हटा दे, जिसके लिए मेहनत किए वो सब्जेक्ट ही हट गया। अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स क्या हो सकता है कि इंटर का जो ग्रुप टू का मान लीजिए स्टूडेंट होता है वो स्टूडेंट ही बाजार में कम हो जाए। अनसर्टेनिटी है ना, हम लोग क्या तो हाथ में नहीं है। और दूसरा, अगर हम कोई भी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो ऑब्वियसली उसके कारण जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या हमारे जो कस्टमर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा उस स्ट्रेटजी के प्रति। मान लीजिए हमने ओएम और एसएम को लेके एक पैकेज बना दिया, हम सोचे एसएम का स्टूडेंट्स बढ़े तो ओएम एसएम का पैकेज बना दो, तो हम बनाएंगे तो बाकी लोग भी तो बनाएंगे हमारा देखा देखी, तो उस समय हम क्या करेंगे, हमारे पास ही कैसे आएगा, ऐसा जब हम सोचते हैं इसी को हम स्ट्रेटजी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे समझ लो पतंजलि सोच रहा है कि मैं नूडल्स बनाऊं, नूडल्स, आटा नूडल्स। अब उसको स्ट्रेटजी बनाना है कि कैसे ये नूडल्स घर घर पहुंचे, ठीक। तो उसका गोल है कि ये मेरा नूडल्स का सेल इतना वॉल्यूम पे हो जाना चाहिए आने वाला एक साल में या दो साल में। तो जैसे ही वो उसको लेके कोई स्ट्रेटजी बनाएगा तो नेस्ले वाला मैगी के लिए कोई अलग से पॉलिसी बना देगा तो हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि इतना नूडल्स के बारे में जो नेगेटिविटी बीच में फैला था उसको ध्यान में रख के लोग नूडल्स खाना ही कम कर दे रहे हैं, घर पे नूडल्स मंगाना ही बंद कर दे रहे हैं। तो जब आप ये सारा सिनेरियो को सोच के कोई एक्शन प्लान बनाते हो तो आप उस एक्शन प्लान को स्ट्रेटजी बोल सकते हो, ठीक है।